एरीज, लेट्स सी इस नए वीक के लिए आपके लिए कौन कौन से मैसेजेस और गाइडेंस हैं। और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तब आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunyacreates.com, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आप मेरे साथ एंजल्स ब्लेसिंग्स वर्कशॉप करना चाहते हैं जो कि 28 अक्टूबर से ऑनलाइन शुरू हो रही है, तो उसके लिए भी आप मुझे ईमेल कर सकते हैं ihealtarot@gmail.com पर। सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, नाउ लेट्स सी हमारे एरीज साइन के लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू एरीज, वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य, तो एरीज आपका पहला कार्ड है यहां पर, फाइव ऑफ पेंटिकल्स। हमारे पास है द एम्परर, द मून कार्ड, नाइट ऑफ सोर्ड्स। हमारे पास है फोर ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड टेम्परेंस कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक में है हमारे पास द लवर्स कार्ड की एनर्जी। सो एक, दो, तीन, चार और पांच, पांच मेजर अरकाना है यहाँ पर। मुझे ऐसा लगता है कि एरीज आप किसी किस्म की ट्रांजिशन से गुजर रहे हैं। ये इमोशनल भी हो सकती है या किसी किस्म का उभरना हो सकता है ट्रांजिशन में, कि आप किसी हादसे से या किसी किस्म के ब्रेकअप से या किसी किस्म के लॉस से यहाँ पर उभरने की कोशिश कर रहे हो। और आपके लिए मेन गाइडेंस इस वीक की यही है कि जहाँ पर आपको लगे कि आपको मदद की ज़रूरत है वहाँ पर मदद मांगिएगा। ओके, टूटकर बिखरने की जरूरत नहीं है, हार मानने की जरूरत नहीं है, मदद की जरूरत है तो वो मदद मांगिए। ये आपका ये मेन काम है आपका इस वीक का। ओके, मैं एक चीज ये भी देख रही हूँ आपके लिए, अपने ध्यान को किसी एक ऐसी ऐसी एक्टिविटीज में लगाना जिसमें थोड़ी बॉडी की ऊर्जा लगे। जैसे हम भागते हैं जब हमारी बॉडी जैसे सांस फूलने लगती है ना, तो यस, वो एकदम से हम प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं। जो कुछ भी हम सोच रहे होते हैं उस एनर्जी से बिल्कुल बाहर निकलकर प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं। वैसी ही एक्टिविटीज़ में आपको ऐसी एक्टिविटीज़ में अपनी एनर्जी को लगाने की ज़रूरत है। तो फिजिकल एक्टिविटीज़ में जितना हो सके समय लगाइए। ओके, रनिंग करना बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए इस वीक में। मैं एक मैसेज आपको ये भी देना चाहती हूँ विद द एम्परर एनर्जी, जो कि आप ही का बेसिकली कार्ड है एरीज राशि का ही। देखिए, आप ताकतवर हैं, नो डाउट। आपके पास पावर है, नो डाउट। आपके एम्बिशंस हैं, नो डाउट। लेकिन देखिए, एक एम्परर को भी वो 24 घंटे जंग नहीं लड़ सकता। एम्परर को भी एक काउंसिल लगती है, पूरी सेना लगती है पूरी, तभी वो एम्परर बनता है। तो यहाँ पर फिर से ये जो सेल्फ है ना आपकी, ये जो स्ट्रांग सेल्फ, ये आपसे आपको एक मैसेज दे रही है कि तुम स्ट्रांग हो लेकिन तुम 24 घंटे स्ट्रांग बन के नहीं रह सकते। इस वीक में ना आपको अपनी वल्नरेबल साइड को ही एम्ब्रेस करना है। सबसे पहले तो उसे एक्नॉलेज ही करना पड़ेगा अपने आप को कि यस, मैं इस समय थोड़ा सा वल्नरेबल महसूस कर रहा हूँ, मुझे मदद की ज़रूरत है। मैं हर्ट हूँ। कुछ लोगों को तो यही कहने की ज़रूरत है कि हाँ, मैं तकलीफ़ में हूँ। शायद आप अपने इस नेचर की वजह से थोड़ी सी ज़िद भी पकड़ के बैठे हो कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और लोगों को, आसपास के लोगों को लग रहा है कि अरे, ये तो बिल्कुल ठीक है क्योंकि ये अपने आप से ही कह रहा है। नहीं, आपकी ये स्ट्रांग सेल्फ की तरफ से मैसेज है कि इस वक्त तुम सही महसूस अगर नहीं कर रहे हो तो उसे एक्नॉलेज करो। ओके, तभी तुम यहाँ पर जो वैलिड हेल्प है उसको रिसीव कर पाओगे। ओके, मैं बहुत एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम आपके लिए देख रही हूँ जो डिवाइन की तरफ से भी है, विच मीन्स कि आपके स्पिरिट गाइड्स भी बहुत कोशिश करने वाले हैं इस वीक में। आपको अच्छे अच्छे साइंस भेजेंगे, आपको अच्छी अच्छी फीलिंग्स, अच्छी अच्छी चीज़ें आपके सामने पॉपअप होंगी, क्योंकि ये डिवाइन हेल्प होगी आपके लिए। और कुछ लोगों के लिए ये फिजिकल रियलिटी से भी हेल्प है, जहाँ पर हो सकता है कि आपके फ्रेंड्स आपको कॉल करें, टेक्स्ट मैसेज करें और आपको लगे कि अरे, इतने दिनों के बाद इसका मैसेज। तो यस, वो सारी एक हेल्प है आपके लिए, ताकि आप इस पूरे समय के दौरान जो आपका ये ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांजिशन चल रही है, आप उसमें अकेले ही जूझते ना रहें।
ओके तो डिवाइन आपकी मदद कर रहे हैं यहाँ पर विद द फोर ऑफ वॉन्स एनर्जी. फैमिली का सपोर्ट बहुत आपके लिए बना रहेगा इस वीक में. आप जिन लोगों को अपना परिवार कहते भी हैं उनकी तरफ से भी कोई ना कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है. कुछ लोगों के लिए आपकी शादी की भी बात चल सकती है इस वीक में. कोई ना कोई प्रपोजल आ सकता है, कोई ना कोई यू नो आप में दिलचस्पी दिखा सकता है. किसी का कोई क्रश भी है यहाँ पर तो वो भी यू नो बता सकता है कि हाँ यू नो मेरे मन में आपके लिए फीलिंग्स हैं. तो यस मैं एक 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 अच्छी ऊर्जा जिसे कहते हैं ना वो मैं आपके लिए फोर ऑफ वॉन्स से पिक कर पा रही हूँ. आप में से जो लोग भी बिजनेस करते हैं आप अपना कोई नया प्रोडक्ट या कोई नई सर्विस को भी लॉन्च कर सकते हैं इस वीक में और मैं काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स उस चीज़ का आते हुए भी देख रही हूँ. द मून कार्ड से थोड़ा चिंतन करने का भी समय है, यू नो थोड़ा डिवाइन ग्रेस के साथ जुड़ने का समय है, झांकने का समय है कि आप कहाँ गलत हैं, आप कहाँ पर प्रोजेक्शंस लगाते हैं, आप कहाँ पर चीज़ों को घोलमोल कर देते हैं. पॉइंट ए को पॉइंट बी में मिक्स कर रहे हो, पॉइंट बी को पॉइंट ए में मिक्स कर रहे हो, तो देखो कि आपसे कहाँ पर ऐसी गलतियाँ हो रही हैं. ओके तो जो लोग भी शैडो वर्क करने में दिलचस्पी रखते हैं या इनर वर्क, तो इस वीक में आप इस तरीके से अपना शैडो या इनर वर्क कर सकते हैं. अगर किसी के साथ रिश्ते में खामोशी भी आ रखी है, आपसे कहा जा रहा है सब्र रखिए. कुछ भी यहाँ पर प्रोजेक्ट या पुश करने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं मुझे बात करनी है तो करनी है. सामने वाले को भी स्पेस देना सीखिए. जैसे हमारी ट्रांसफॉर्मेशन होती है वैसे लोगों की भी ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है ना. तो रिस्पेक्ट करनी चाहिए समय की, ट्रांजिशंस की, ट्रांसफॉर्मेशन की. इस साइलेंट टाइम को बेसिकली एम्ब्रेस कीजिए, खुद पर काम कीजिए. ओके फाइनेंशियली भी मैं आपको एक सलाह दूंगी कि ये वीक है सेविंग्स का. आपको अपनी ज़रूरत से ज़्यादा जिसे कहते हैं खर्चा नहीं करना. मुझे पता है फेस्टिवल सीज़न चल रहा है और इसमें खर्चा होना स्वाभाविक है, लेकिन आपके लिए रिमाइंडर यही है कि ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप खर्चा करते हैं तो इसका खामियाजा आपको आने वाले दिनों में भुगतना पड़ सकता है. ओके तो खर्चिए, इंजॉय कीजिए फेस्टिवल्स को, किसी ने नहीं रोका. इस चीज़ की फिजूल खर्ची नहीं होनी चाहिए. ओके नाइट ऑफ सोल्स से यस मैं एक चीज़ ये भी कहूँगी कि अपने इमोशनल अपने इमोशंस में बहकर कोई एकदम से कोई बात कह देना, कोई वादा कर देना, कोई एक्शन ले लेना, इन सारी चीज़ों से भी बचिएगा. संभलना है थोड़ा सा आपको. आपकी इमोशनल स्टेट थोड़ी सी ना ऐसे हो रखी है, इसको थोड़ा स्टेबल होने दीजिए. ओके जो क्लैरिटी मिलती है उसके ऊपर भी कॉन्टम्पलेट कीजिए, उसके ऊपर भी मंथन लगाइए. द व्हील ऑफ फॉर्च्यून और टेम्परेंस कार्ड फिर से यहाँ पर एंजेलिक एनर्जीज हैं, यूनिवर्सल एनर्जीज. तो इस वीक में मैं आपको एक सलाह ये भी दूंगी कि आप अपनी एफर्मेशंस के ऊपर काम कीजिए, मंत्र चैंटिंग भी कीजिए. ओके या फिर आप किसी कह लीजिए कि एंजेलिक एनर्जी में आर्क एंजल माइकल या आर्क एंजल राफेल के साथ भी कनेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं. बेसिकली ये ऊर्जाएँ आपको यही समझाने की कोशिश कर रही हैं कि एरीज ये एक ट्रांजिशन है, ठीक है. इसमें कुछ हाथ पैर ज़्यादा मारे नहीं जा सकते. इसमें जो जैसा चल रहा है आपको उसके उस फ्लो में टैप इन करना पड़ेगा. आप रिजिस्ट नहीं कर सकते, ये चक्र घूमेगा ही घूमेगा. आप रिजिस्ट कर लो, आप चाहे रिजिस्ट ना करो. रिजिस्ट करोगे तो फिर तकलीफ होगी. गो विद द फ्लो. ओके इनर वर्क या स्टडी वर्क करना डेफिनेटली बहुत बहुत बेनिफिशियल है. और ये भी एक प्रॉमिस है आपके लिए कि आपकी डेस्टिनी का जो नेक्स्ट चैप्टर है वो बहुत हीलिंग से भरा हुआ है. बहुत ही कुछ लोग तो यहाँ पर डेफिनेटली एंजेलिक हीलिंग या तो सीख रहे हैं या इस हीलिंग के साथ जुड़ रहे हैं. ओके तो यस विद द टेम्परेंस मैं रिलेशनशिप हीलिंग, माइंड बॉडी स्पिरिट की हीलिंग देख रही हूँ. और आपका सुरक्षा कवच, बेसिकली आपकी अगर कोई चिंता आपकी फैमिली से भी आती है कि कहीं आपकी फैमिली को कुछ ना हो जाए, तो यस आपके नेक्स्ट चैप्टर में ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपके सुरक्षा कवच को बहुत मजबूत करेंगी और आपका ये जो डर है अपने परिवार को लेकर ये डर जाता चला जाएगा. ओके तो एक प्रॉमिस है आपके नेक्स्ट चैप्टर का, बस थोड़ा विश्वास बनाए रखें. लेट्स सी यहाँ और क्या मैसेजेस हैं. थैंक यू एरीज, वन मोर टाइम प्लीज. एंड शनिया, इट्स टाइम टू टेक एक्शन. अगेन आपके लिए यहाँ पर एरीज की ही एनर्जी आई है. देखिए कि आपके पास अगर कोई भी ऐसा काम है जो आपको लगता है कि ये मेरे हाथ में है, ये मैं कर सकता हूँ, उस काम को लेकर हेजिटेशन नहीं रखनी है बल्कि एक्शन लेना है. ओके लेकिन फिर से मैं कहूँगी एक्शन लेने से पहले थोड़ा सा कॉन्टम्पलेट ज़रूर कीजिए. ओके
प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, फिर से वही प्रॉमिस जो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि आपका नेक्स्ट चैप्टर बहुत ही खुशियों से, प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस से भरा हुआ है। इस चीज़ की इस समय आपको थोड़ा सा अपने आप को बहना, जिसे कहते ना कि एकदम से इमोशनल एनर्जी में बह जाना, बस उससे रोकना है, संभलना है इस वीक में आपको। ओके एरीज, ऑलराइट, हमारे पास है रिजुविनेशन, तभी यहाँ पर बॉडी का भी मैसेज आ रहा था। तो अपनी अपनी फिजिकल बॉडी के साथ थोड़ा सा कनेक्शन जोड़ने की कोशिश कीजिए। जब आप कपड़े बदलते हैं, नहाते हैं, जिस तरीके से आप अपनी बॉडी का ध्यान रख रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं अपनी बॉडी की सुनिए। ओके, वो आपको साइंस दे रही है, वो आपको बता रही है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इस चीज़ की आपको उसके साथ कनेक्ट होना है, इस वजह से आपको फिजिकल एक्टिविटीज़ में अपनी इन्वॉल्वमेंट को बढ़ाना चाहिए। ओके रिजुविनेशन। फिर है हमारे पास राइट, अपनी अपनी ड्रीम लाइफ को लिखना शुरू कीजिए। आपकी ड्रीम लाइफ जैसी भी है, आप जैसा पाना चाहते हैं अपने जीवन को, जीवन में जो भी पाना चाहते हैं, जैसी अपनी लाइफ देखना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें लिखा कीजिए। अपनी अपने तकदीर के क्रिएटर खुद बनिए। बेसिकली राइट से यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है। लिखना से, लिखने से ये कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपके पास टैलेंट्स हैं, लिखने के टैलेंट हैं आपके पास, आप उस पर काम कीजिए। और ये भी कुछ लोगों के लिए नया चैप्टर हो सकता है आपकी लाइफ का, जहाँ पर आप अपनी इस राइटिंग स्किल्स की वजह से जाने जाएंगे। ओके फाइनल एडवाइस क्या है एरीज साइन के लिए? Thank you. One more time, please. And Shunya. हमारे पास है ब्यूटिफुल चेंज। तो ये जो भी ट्रांजिशन या ट्रांसफॉर्मेशन है, इसकी पॉजिटिव साइड पर आपको ध्यान लेकर जाने की बात कही जा रही है कि ये चेंज अच्छा है। ओके ये चेंज अच्छा है, चेंज को एम्ब्रेस कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए। सेंसिटिविटी, तो यस, अपनी इमोशनल हेल्थ को भी चेकअप करते रहना, वही चीज़ कि अगर मदद की ज़रूरत है तो मदद ले लेना, रोने का मन है तो रो लेना, इस जिद में नहीं रहना कि नहीं नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं, अगर हो रहा है कुछ महसूस तो उसको एम्ब्रेस कीजिए अपने यहाँ पर। ओके तो ये है आपकी रीडिंग एरीज। आई होप कि इससे आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं। इन केस आप कुछ अपना फीडबैक देना चाहते हैं इस रीडिंग को लेकर, डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में अपनी सिचुएशन को बयान कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली रीड करना चाहूँगी। ओके और मैं आपको बहुत सारा प्यार भेज रही हूँ। आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप वेबसाइट पर जा सकते हैं, और एंजल्स ब्लेसिंग वर्कशॉप के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। सारी डिटेल्स हैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।